हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसटेट जो हरियाणा का है उसका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। देखो फ्रेंड्स, इंग्लिश एक भाषा है और कोई भी जो भाषा होती है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कम्युनिकेट करना। हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे के साथ हम अपना कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमारे लिए समस्या कब आती है, हमारी जो हमारी मातृभाषा होती है अपनी, उसको सीखने में हमें कोई परेशानी नहीं आती। जब भी हम कोई विदेशी या हमारी मातृभाषा से अलग कोई भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं तब हमारे सामने समस्या आती है। वह कैसे आती है, क्योंकि मातृभाषा के बारे में हमें कोई नियम या कोई भी चीजों के बारे में हमें जानकारी की लेने की आवश्यकता नहीं, वो हमारी मातृभाषा हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि एक किसान है या एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, वो कभी भी स्कूल नहीं गया तो फिर भी वो हिंदी में बात करता है या हमारी मातृभाषा में बात करता है और हमारी बातों को समझता है, तो उसको भाषा कैसे आई? उसने तो इस तरीके से आके बोर्ड पे तो भाषा को नहीं समझा, फिर भी वो बातचीत करता है, सब कुछ करता है। इसका कारण क्या है कि विदेशी जो भाषा या दूसरी कोई भाषा है उसको सीखने के जो नियम है वो नियम हमें उसके लिए ही सीखने पड़ते हैं। हमारी मातृभाषा के नियम हमारे को सीखने की आवश्यकता नहीं, वो इनबिल्ट होते हैं। जैसे इसको आप ऐसे कह सकते हो कि एक माँ का अपने बच्चे के प्रति लगाव या एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति आकर्षण जो है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, उसको पैदा नहीं करना पड़ता, सिखाया नहीं जाता, वो गॉड गिफ्टेड है। इसी तरीके से मातृभाषा को सीखना है वो एक तरह से गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन दूसरी भाषा को जैसे ही हमें सीखते हैं तो हमें उस भाषा को बिल्कुल एक सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको सीखना होता है। अब फिर से वापस आते हैं, हमने बात की कि कोई भी जो भाषा है उसका पहला मकसद है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करने के लिए हमें कोई ना कोई एक उस भाषा से चीज को लेना पड़ेगा। कोई चीज का ताल्लुक ये है कि हम कोई भी, मान लिया हम एक फल को काटते हैं तो फल को काटने के लिए हमें औजार चाहिए, चाकू या कोई तीखा। इसी प्रकार से कोई भी भाषा का जब हम इस्तेमाल करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए तो हमें उसका कोई ना कोई एक स्वरूप चाहिए, एक इकाई चाहिए। इसलिए जो कोई भी भाषा होती है उसकी जो एक इकाई होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए वो होती है सेंटेंस, और सेंटेंस को हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का अर्थ है कार्यकारी इकाई का अर्थ क्या होता है, वह इकाई, वह स्वरूप, वह छोटे से छोटा हिस्सा जिसको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं, क्योंकि हमने इस्तेमाल में ही तो लेना है उसको। भाषा का मतलब तभी होगा जब हम उसका इस्तेमाल कर सकें। अगर हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते तो वो भाषा कैसी भी, और उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे किसका सहारा लेना पड़ता है, फंक्शनल यूनिट का सहारा लेना पड़ता है। हम जितने भी दुनिया में चीजें करते हैं, जो भी हम अपने प्रतिदिन जीवन के जो सारे कार्य हम करते हैं वो हम बहुत सारी फंक्शनल यूनिट के माध्यम से करते हैं। उनमें अलग अलग फंक्शनल यूनिट होती हैं। जैसे मान लिया अगर हमें स्याही है, वो स्याही ऐसे है तो हम ऐसे थोड़ी करते हैं कि उस स्याही को ऐसे कर दें, उसकी फंक्शनल यूनिट के मार्कर बना दिए कि उसके अंदर फिलअप करके इस प्रकार से ये फंक्शनल हो जाएगा। या मान लिया अगर हम इस कमरे की बात करें जिसमें हम हैं, कमरे के अंदर आप देखोगे कि ये दीवारें हैं, इन्होंने मिलकर एक कमरा बनाया हुआ है। अगर हम फर्श की अकेले की बात करें तो फर्श अकेला एक कमरा नहीं है, छत है वो अकेला कमरा नहीं है। दीवारों की बात करें, खिड़कियों की बात करें, दरवाजे की बात करें, अपने आप में ये कोई प्रयोग में नहीं होते, ये कंबाइंड एक स्वरूप पूरा जब बनता है तब हम कमरे के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। मान के चलो इस कमरे की छत नहीं है तो क्या ये कमरा कहलाएगा, या हम इसका हमेशा उपयोग कर सकते हैं? नहीं, धूप आएगी, बारिश आएगी तो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। फंक्शनल यूनिट वो हुई जो अपने आप में सारी चीजों से मिलाकर एक ऐसी यूनिट बन जाती है जिसका उपयोग वास्तविक व्यवहारिक रूप से किया जा सकता है, हर समय किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसकी फंक्शनल यूनिट होती है वो है कार्यकारी, यानी कि सेंटेंस। सॉरी, अब फंक्शनल यूनिट जब होगी तो कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट भी होगी। स्ट्रक्चरल यूनिट्स का अर्थ होता है निर्माण इकाई का अर्थ है वह छोटा स्वरूप या वह चीज जो फंक्शनल यूनिट को बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे इस कमरे को बनाने में एक दीवार, दो, तीन, चार
और जो हमारा फर्श है या छत है, ये इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है। खिड़कियां हैं, दरवाजा है, ये इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है। इन्होंने मिलकर एक फंक्शनल यूनिट को बनाया। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फंक्शनल यूनिट की। हम इस चीज पर नहीं जा रहे हैं कि ये फंक्शनल यूनिट किस चीज से बनी, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम ये फंक्शनल यूनिट का जो नियम है उसको समझते हैं। फंक्शनल यूनिट का जो नियम है वो ये कहता है, ये फंक्शनल यूनिट कैसे बनेगी या इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस, ये हमारा कहलाता है सेंटेंस। हमारी जो फंक्शनल यूनिट है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में उसको हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं, या किसी भी भाषा में फंक्शनल यूनिट जो वाक्य यानी कि सेंटेंस होता है उसकी परिभाषा ये रहती है कि शब्दों का एक ऐसा समूह विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस, जो हमें एक पूर्ण समझ प्रदान करता है। या कई बार हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे कहते हैं शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक का अर्थ होता है जो प्रयोग में लाया जाता है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे राम ईट्स मैंगो, ये हमने एक तीन शब्द लिखे, इसमें एक दो और तीन शब्द हैं। ये तीनों शब्द इकट्ठे हुए और इससे हमें कोई बात समझ में आई, इससे हमें पता चलता है हमारी जो हिंदी या हमारा वो कहते हैं कोई भी चीज को हम समझते हैं तो हमारी परसेप्शंस होते हैं उसके बारे में कि हम कैसे किसी चीज को समझते हैं। राम ईट्स मैंगो, जैसे ही ये बात सामने आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि राम है उस आम खाता है, ये बात हमें समझ में आ गई है। अब यही भाषा का काम है कि वो ऐसा काम करती है, ऐसे चीजों को सामने पेश करती है जिसको मिलाते ही हमें कोई बात समझ में आती है, हमारी सेंसेस में कुछ घुसता है जो अंदर तक जाता है। तो राम ईट्स मैंगो, राम सेब, सॉरी राम आम खाता है, ये बात हमें इससे समझ में आ गई। और इसने क्या काम है, कैसे बनी है, एक दो और तीन, तीन शब्दों से मिलकर। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस, जो कि अपने आप में एक पूर्ण समझ देता है। अब इस बात को साबित करने के लिए हम इसको फिर चेक करते हैं। जैसे अगर हम इसको ये लिखें मैंगो राम ईट्स, तो ये कोई भी सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने हमें कोई समझ प्रदान नहीं की, मैंगो राम ईट्स का कोई अर्थ नहीं है। हालांकि आप देखते हैं कि शब्द वही के वही है, इसके अंदर ये मैंगो है, राम है, ईट्स है, शब्द वही है, लेकिन फिर भी ये हमें कोई समझ नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे अंतर क्या पड़ा है, अंतर हमारे सामने ये पड़ा है कि हमने ये जो ऊपर वाला वाक्य था इसके अंदर जो शब्दों का कर्म था उस कर्म को नीचे वाले वाक्य में हमने बदल दिया। अब ये नंबर तीन पे था, हमने इसको एक नंबर पे ले आए, ये एक नंबर पे था, हम इसको दो नंबर पे ले आए, और ये हमारा जो ईट्स था वो तीन नंबर पे था, इसको हम सॉरी दो नंबर पे था, इसको हम तीन नंबर पे ले आए। हमने क्या किया, ऊपर वाले शब्दों का कर्म बदल दिया। अब कर्म बदलने की वजह से हमारा जो वाक्य है वो नहीं बन पा रहा। अब आगे समस्या फिर से आती है, हमारी हिंदी भाषा है उसके बारे में हमें कभी सोचना नहीं पड़ता, ना कभी इस बात पर फोकस रहता है कि भी हम उसके कर्म को ध्यान में रखें या नहीं रखें। हम फ्लो के अंदर बोलते चले जाते हैं, अनपढ़ इंसान भी फ्लो में बोलता चला जाता है। यहां पर हमें कर्म का ध्यान रखना पड़ेगा। अब चूंकि इंग्लिश हमारे लिए एक विदेशी भाषा है तो हमें कैसे पता चले कि यही कर्म ठीक रहेगा, हमें कैसे पता चला कि राम पहले नंबर पर ही आएगा, दो नंबर ईट्स आएगा, तीन मैंगो आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इंग्लिश भाषा का जो बेसिक नियम है या किसी भी भाषा का जो बेसिक नियम होता है उसको समझना पड़ेगा। और उस नियम की बात यह है, भाषा बनाई गई है स्ट्रक्चरल यूनिट से। दुनिया में जो कुछ भी बनाया गया है वो स्ट्रक्चरल यूनिट से बनाया गया है। पहले स्ट्रक्चरल यूनिट्स आती हैं, उसके बाद कोई चीज बनेगी और तब उसका काम मिलेगा। अगर हम अपने घर में बात करें कि हम चाय बनाते हैं तो चाय की स्ट्रक्चरल यूनिट देखिए आप, चाय की स्ट्रक्चरल यूनिट है पानी है, दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है, या जायके के मुताबिक इलायची अदरक जो भी हम डालते हैं, ये हमारी क्या होगी, स्ट्रक्चरल यूनिट होगी। अब उन स्ट्रक्चरल यूनिट तो है हमारे पास, लेकिन उनको बनाने का भी एक खास तरीका है। चाय कैसे बनेगी, चाय है वो है फंक्शनल यूनिट। इस्तेमाल हम चाय को करते हैं, ना कि यू इंडिविजुअली हम उनको इस्तेमाल नहीं करते। कोई ये नहीं करता कि पानी पिया, चाय पत्ती मुंह में डाल ली, चीनी दूध डाल लिया और फिर चाय अंदर बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। तो हम बनाते कैसे हैं उसको, उसका नियम है जो वर्षों से निर्धारित है।
सबसे पहले हम पानी रखते हैं बर्तन में गर्म करते हैं उसको, चाय पत्ती डालते हैं उसमें, चीनी डालते हैं, वो बॉयल होता है तब उसमें दूध डालते हैं, फिर उसको अंदर दूध डालने के बाद फिर बॉयल करते हैं, अदरक इलायची डालते हैं, ये उसका नियम है। हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि बर्तन लिया और उसमें हमने ढेर सारी चीनी और चाय पत्ती डाली और वो उसको गर्म किया, जब वो गर्म हो गई तो फिर हमने उसके अंदर दूध डाल दिया, जब वो दूध उबलने लगे तो हमने उसके अंदर पानी डाल दिया, ऐसा हम चाय नहीं बनाते, हमारा नियम है। उसी तरीके से कोई भी चीज जो इस दुनिया में बनाई जाती है, चाहे आप पढ़ाई करते हो पहली से दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे पढ़ते हो, एक जो कारीगर है वो दीवार बनाता है, या एक जो उसका लकड़ी का कारीगर है वो दरवाजे बनाता है, हर एक चीज वो नियम से बनाता है, बगैर नियम के इस दुनिया में कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से भाषा का भी एक नियम होता है और वो नियम इंग्लिश भाषा में कहा गया है एस प्लस वी प्लस ओ, ये नियम है। अब इस नियम को हमें समझने के लिए आई थिंक सभी लोग जानते होंगे ये चीज कि एस वी और ओ का अर्थ क्या है, फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एस का अर्थ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आपको क्या कहते हैं, कर्ता, कर्ता को क्या बोलते हैं, काम करने वाला। दूसरा है हमारा वी, वी का अर्थ है वर्क, वर्क का अर्थ है क्रिया यानी कि कार्य, और ओ ऑब्जेक्ट इसका अर्थ है कर्म यानी कि कार्य का फल या उद्देश्य, कार्य का फल या उद्देश्य जिससे संबंधित है वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। अब ये चीजें आपको समझा हालांकि पता है, लेकिन इन बात का यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व तो क्या है, क्योंकि कोई भी जो भाषा है आप बोलते हो, चाहे आप हिंदी बोलिए, संस्कृत बोलिए, आप हरियाणवी बोलिए, पंजाबी बोलिए, कोई भी भाषा में जब तक कोई काम करने वाला नहीं होगा या कार्य नहीं होगा तब तक वो भाषा नहीं बन सकती, ये बात हमने समझनी है। हमारी जो ऊपर वाला हमने वाक्य लिखा है राम ईट्स मैंगो, अब राम आम खाता है, इसके अंदर राम है वो काम करने वाला है, सब्जेक्ट है, खाने का वो कार्य करता है, ये बात है। ये दो चीजें जरूरी हैं, ऑब्जेक्ट किसी वाक्य में हो भी सकता और नहीं भी, इसके बगैर हमारा काम चल भी सकता और नहीं, लेकिन ये दो चीजों के बगैर कोई भी भाषा नहीं बन सकती, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, हम आपस में बातचीत नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें यह पता चले कि सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि काम करने वाला और कार्य, जब कोई काम करने वाला है तो कार्य भी होगा, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जब तक हम किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे तब तक ये दो चीजें हमें इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। और इनका नियम क्या है, इनका नियम ये है इंग्लिश लैंग्वेज में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि पहले आप अपने काम करने वाले को रखिए, फिर कार्य को रखिए, उसके बाद कार्य का फल या उद्देश्य जिसके लिए है अगर वो है तो वो रखिए आगे। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी भाषा में और चीजें भी होती हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही बेसिक पैटर्न बताया, एक बेसिक ढांचा बताया, जैसे पता है कि कमरे का एक बेसिक ढांचा होता है बनाने का, दीवारें खड़ी करनी पड़ेगी, चार एक छत लगानी पड़ेगी, एक फर्श लगाना पड़ेगा, ये बेसिक ढांचा है। फिर हम अलग अलग अपने अपने हिसाब से परिवर्तन कर लेते हैं, कई जगह अलमारी लगा देते हैं, कई जगह खिड़की लगा दी, कहीं दरवाजा लगा दिया, वो हमारा अपनी सोच है, लेकिन बेसिक पैटर्न कमरा बनाने का यही रहेगा, इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कोई जो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमें बनाना है किसी वाक्य को तो बेसिक पैटर्न यही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये अपनी जगह नहीं बदल सकते, इनके बीच में आगे पीछे कुछ और चीजें लगाई जा सकती हैं और वाक्य की जरूरत के मुताबिक, लेकिन बेसिक पैटर्न हमारा यही रहेगा। अब हमें इस बेसिक पैटर्न को ही समझना है कि भी बेसिक पैटर्न आगे किस प्रकार से काम करता है। तो हमारे पास ये जो वाक्य था इसके अंदर हमारे पास दिखाई दिया हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर जो आपको गड़बड़ दिखाई दे रही है कि ये वाक्य क्यों नहीं बन पाया, ये इसलिए नहीं बन पाया कि हमने पहले ऑब्जेक्ट को रख दिया, फिर सब्जेक्ट को रख दिया और फिर वर्ब को रख दिया, यानी कि हमने जो वर्षों से चला आ रहा जो नियम था उसको तोड़ दिया। अब ये नियम अगर टूटता है तो हमारा कोई भी वाक्य नहीं बन सकता, जैसे मैंने आपको चाय के मामले में बताया था, कोई भी चीज है वो नियम से बनती है, चाहे किसी ने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, चाहे आप अंबानी की बात कर लीजिए, चाहे आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लीजिए, कुछ भी इस दुनिया में जो बना हुआ है वो एक नियम से बना हुआ है और वो नियम वर्षों से चले आ रहे हैं, या फिर कोई चीज नहीं बनाते हैं तो उसका नया नियम बनाया जाता है, बगैर नियम के कुछ भी नहीं बनता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि ठीक है हमारी मातृभाषा, उसके बारे में हमने कभी फॉलो नहीं किया इन चीजों को, लेकिन
दूसरी भाषाएं जब हम सीखेंगे तो हमें इस नियम को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस नियम को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारी बातें हैं वो गलत हो जाएंगी। जैसे ये हो गया मैंगोज राम ईट्स, ये एक वाक्य नहीं बन पाया। एक बात। अब दूसरी बात ये कि अगर इसी को हम देखें ध्यान पूर्वक, जो नियम की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी भाषा है वो नियम से बनती है, तो हम इसको अब हिंदी में बना के देखते हैं। राम आम खाता है। अब देखिए इसके मुताबिक काम करने वाला पहले, फिर काम जो था वो चला गया बाद में, और फिर जिसके ऊपर फल पड़ा वो आ गया बीच में। तो हमारी हिंदी भाषा का पैटर्न क्या आ गया? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। यही हमारी समस्या है, हम हिंदी भाषी हैं। इसलिए हम क्या है, हमारा फोकस रहता है हिंदी। हम सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब कुछ हिंदी में करते हैं। हम इस पैटर्न में सोचते ही नहीं है, जबकि हमारा पैटर्न इंग्लिश का ये है और हिंदी का ये है। कोई आम जो हम जो ध्यान नहीं देते हैं, या किसी लर्नर से कहा जाए कि इंग्लिश, तो वो कहेगा क्या बनाएगा? राम मैंगो ईट। ईट्स भी बहुत कम चांस है कि वो लगाएगा। वो सीधे शब्द पकड़ेगा और उनकी इंग्लिश को ट्रांसलेट करेगा, वो उसके पैटर्न पर नहीं जाएगा। ग्रामेटिकल चीजें तो बहुत बात की बात है, तो वो इस प्रकार से बनाता है। यही हमारी समस्या है। अब हमने इन चीजों से आगे बढ़ना है। ये हो गया हमारा सेंटेंस जो कि फंक्शनल यूनिट है। अब हमें पहले एक चीज पर थोड़ी ही चर्चा करके हम वास्तविक रूप में, क्योंकि हमारा हालांकि जो सेंटेंस है वो सीधे तौर पे किसी भी साहित्य सिलेबस का हिस्सा नहीं होता, लेकिन बगैर सेंटेंस के सीखे या बगैर सेंटेंस को जाने आप इंग्लिश के दूसरे जो टॉपिक हैं, चाहे आप वॉइस की बात करिए, चाहे आप नरेशन की बात कीजिए, चाहे आप टेंसेस की बात कीजिए, या फिल इन द ब्लैंक्स की बात कीजिए, या एरर्स कोटिंग की बात कीजिए, कोई भी टॉपिक आप बगैर सेंटेंस को समझे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में बात तो कर ली, और विस्तार से मैं आपको इसके नोट्स बनाऊंगा कि सेंटेंस क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड हमने करना है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे थोड़ी समझने की, वो थी मैंने आपको बताया कि ये सेंटेंस जो था वो मैंने आपको बताया कि वो फंक्शनल यूनिट। ये बात समझ गए ना अभी आपकी, फंक्शनल यूनिट क्या होती है, कार्यकारी, जिसको हम काम में लेते हैं। और फिर दूसरा मैंने बात की स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट। अब हमने वैसे देखा जाए तो हमारे वाक्य का निर्माण हमने किया इस प्रकार से, तो कहें तो सब्जेक्ट एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, वर्ब एक और ऑब्जेक्ट है, ये तीनों अपने आप में स्ट्रक्चरल यूनिट बनाने वाली इकाई, निर्माणकारी इकाई। अब हमने ये समझना है कि इंग्लिश में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मान लिया हमारा यही वाक्य हम फिर से लेते हैं, राम ईट्स मैंगो। ये हमारा तीन शब्द वापिस लिए हमने, इसके अंदर हमने इसको सब्जेक्ट बनाया, इसको वर्ब बनाया, इसको ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, यहां पर तो हम समझ गए कि हाँ सर ये काम करने वाला है और ये क्रिया है और ये कोई चीज है, वस्तु, तब बहुत बेसिक है, समझ गए। लेकिन इंग्लिश तो लैंग्वेज में शब्दों की तो बड़ी भरमार है, बहुत सारे शब्द है, उनको हम कैसे पता चलेगा कि कोई चीज है वो सब्जेक्ट बनेगी, कोई वर्ब बनेगी, कोई ऑब्जेक्ट बनेगी। इसके लिए हमें स्ट्रक्चरल यूनिट को, जिसको हम कहते हैं सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर वास्तविक यूनिट है, उनको बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच स्पीच को भी आमतौर पर हमारे जो विद्यार्थी हैं वो क्या समझते हैं, भाषण। अरे हाँ भाषण भी होता है, लेकिन स्पीच का अर्थ बोलना भी होता है, स्पीच का अर्थ सेंटेंस भी होता है। तीनों ही अर्थों में स्पीच का अर्थ सेंटेंस है, बोलना भी है और भाषण भी है, और तीनों आपस में कनेक्टेड है। स्पीच भाषण, आप भाषण देते हो, किसके माध्यम से देते हो, वाक्य के माध्यम से देते हो, और वाक्य क्या होता है, बोलना, तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड भी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाक्य के हिस्से, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की चाय के हिस्सों के बारे में आपको पता है, इसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच वाक्य के हिस्से होते हैं। ये है स्ट्रक्चरल पैटर्न, वो है हिस्से। हमने इनमें से उन चीजों में से उठा के इसमें कौन कौन सी चीजें फिट करनी है, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, वर्ब में क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट में। जैसे आप ऐसा समझ सकते हो कि ये मान लिया दीवार खड़ी करनी है, तो एक मिस्त्री है वो दीवार के अंदर पत्थर भी लगा सकता है और ईंटें भी लगा सकता है। तो हमने ये देखना कि जो सब्जेक्ट है वो किन किन चीजों से मिलकर बन सकता है, उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें सबसे पहले जो हमारी चीज होती है वो होती है नाउन, प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर आपका एडवर्ब,
फिर आपका एडजेक्टिव, फिर है आपका कंजक्शन, फिर है आपका प्रीपोजिशन, और फिर है आपका इंटरजेक्शन। ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, आठ माने गए हैं ग्रामर के मुताबिक। लेकिन मैं सिर्फ आपको उसी लेवल पर नहीं रखना चाहता जो अभी तक ग्रामर का किताबों में या कुछ में लिखा पड़ा है। मैं आपको ये कहूंगा कि आप दो पार्ट और कंसीडर कर लीजिए, जिसको हम कहेंगे डिटरमाइनर्स या हेल्पिंग वर्ब्स। हालांकि ये चीजें कवर हो जाती हैं दूसरे टॉपिक के अंदर भी, फिर भी हमें विस्तार से अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना है तो हम आठ की बजाय दस को समझेंगे, दो और इंक्लूड करेंगे। ये कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने ये सबसे पहले बातें आपके सामने क्यों की हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, वो इसलिए की हैं क्योंकि जैसे हम बात की कि चाय के जो हिस्से पार्ट्स ऑफ टी, हमने उन चीजों को ठीक से समझा हुआ है तब हम उन चीजों का चाय बनाने में इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे मान लिया हम जानते हैं कि चाय के अंदर हम चीनी डालते हैं, तो हम चीनी क्यों डालते हैं? हमें चीनी के बारे में पता कि चीनी मीठा करने का काम करती है। हमने चीनी के गुण दोष को समझ लिया, उसके स्वभाव को समझ लिया है, इसलिए हम चीनी को मीठा करने के लिए डालते हैं। इसी प्रकार से एक वाक्य के जो ये हिस्से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, अगर इनके स्वभाव को अगर हम ठीक से समझ लें तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं आपको, जब तक हमें किसी चीज के स्वभाव का पता नहीं चलता, उसके उपयोग का पता नहीं चलता, हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। जैसे अब हमें चीनी के अगर स्वभाव का पता चल गया मीठा करती है, तो जरूरी नहीं कि हम चाय बनाए मीठा, हम शिकंजी भी बना लेते हैं, दूध को भी मीठा कर लेते हैं, हलवे को भी मीठा कर लेते हैं, मीठा ही तो करना। इसी प्रकार से हमें पता है कि भी जो आग होती है इसका स्वभाव होता है जलाना, तो वो गर्म भी करती है, तो हम इसके गर्म करने वाले स्वभाव का इस्तेमाल करते हैं, जलाने वाले का नहीं इस्तेमाल करते। यही इसी प्रकार से जो शब्द होते हैं, इन शब्दों के अपने अपने स्वभाव होते हैं, अगर हम इन स्वभावों को ठीक से समझ लेते हैं तो हमारे लिए ये जो फंक्शनल यूनिट है, इसको बनाना, इसको बोलना, इसको समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये सबसे पहली बात है। तो हम इसके बाद बात करते हैं कि चलो पहली बात है नाउन। नाउन को मैं सिर्फ समझा रहा हूं, नोट्स का आपका सिलेबस का हिस्सा है ये, पूरे इसके नोट्स बनवाऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा आपको बताता हूं कि नाउन, नाउन को बहुत ही शॉर्ट में अगर हम कहें, नेम इज नाउन, नाम ही नाउन। अब वापिस बात करते हैं हम भाषा की, इंग्लिश। मनुष्य ने जैसे भी इंग्लिश की शुरुआत की, भाषा का अर्थ था कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करने के लिए उसने कहा कि ठीक है फंक्शनल यूनिट है हमारी सेंटेंस, सेंटेंस में हमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच डालने पड़ेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की सबसे पहली कैटेगरी उसने बनाई नाउन। नाउन है क्या? नाम, नेम इज नाउन। नेम इज नाउन का अर्थ यह हुआ कि दुनिया में जो कुछ है सबसे पहले उसका हमें नाम रखना पड़ेगा। जब तक हम उसका नाम नहीं रखेंगे तब तक हमारी पहचान साझी नहीं हो सकती। जैसे मैं कहूं कि ये मार्कर है तो आप भी जानते हो ये मार्कर है, तभी हम दोनों के बीच में कम्युनिकेट हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये बोर्ड है तो आप भी मानते हैं कि बोर्ड है, तो जब तक हमारे बीच, मैं इसको ये कहने लग जाऊं कि ये चट्टान है तो आप नहीं मानोगे ये चट्टान है, मैं इसको कहूं कि ये चाकू है तो आप नहीं मानोगे चाकू। पता नहीं किसने इसका नाम दिया, मैंने नहीं दिया, पता नहीं किसने दिया इसका नाम बोर्ड, मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, लेकिन हमारे बीच में ये प्रचलित है, हमारे बीच में ये शब्द साझा है कि इसको हम बोर्ड कहेंगे और इसको हम मार्कर कहेंगे, तब हमारे बीच में कम्युनिकेट हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दुनिया में जो कुछ भी है पहले उसका हमें नाम देना पड़ेगा। जब तक हम नाम नहीं देंगे तब तक हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अब इसी वाक्य को देखते हैं वापिस, राम ईट्स मैन। तो आप देखते हो राम, ये किसी का नाम नजर आता है आपको? नाम है, ये किसी का नाम है। ईट्स किसी का नाम नहीं है, ये एक क्रिया है, क्रिया का नाम है। मैंगो ये किसी वस्तु का नाम है, फ्रूट का नाम है। तो आप पाओगे कि देखो ये दोनों, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, और ये आपका जो पैटर्न था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें आपने देखा कि जो नाउन था वो सब्जेक्ट की जगह भी आ गया और ऑब्जेक्ट की जगह भी आ गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो नाउन का स्वभाव हमने समझा उसने क्या काम किया, हमारे पैटर्न के अंदर दो जगह पर वो फिट हो गया। ये बहुत एक छोटा सा मैंने एग्जांपल एक शुरुआत बताई है कि जब तक हमें इन शब्दों के स्वभाव का पता नहीं चलेगा, या अगर बहुत ही ब्रीफ में मैं फिर थोड़ा समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? हालांकि ये दिखाया गया है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जिनका वास्तविक रूप में कोई अर्थ नहीं होता।
अगर हम देख रहे हो हिंदी के रूप में उनको लेके चले, जैसे मान लिया अगर हम ये कहें कि इसका अर्थ तो खाना है, मैंगो का अर्थ आम है, ये इंटरजेक्शन का इस प्रकार से कोई भी अर्थ नहीं होता। इंटरजेक्शन का अर्थ होता है हमारे मनोभाव जो अचानक पैदा होते हैं और हम कुछ कह देते हैं, अरे ये एक इंटरजेक्शन है, अरे का कोई अर्थ नहीं है। इंटरजेक्शन है वो दुनिया में असीमित है, अपने अपने क्षेत्र के मुताबिक लोग अलग अलग इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अरे वो ये सब क्या है, ये इंटरजेक्शन है। प्रत्येक देश, प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लोगों को अपनी जो अचानक पैदा होने वाली जो भावनाएं होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए खास तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ में थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना पड़ेगा, और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे किसमें फिट करना है, सेंटेंस में। अब वापिस हम चलेंगे सेंटेंस के पैटर्न को, अलग अलग प्रकार के सेंटेंस कितने होते हैं और फिर हम उनका उपयोग कैसे कैसे करते हैं और उसके अंदर हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कहां कहां पर फिट होते हैं, ये बात हम करेंगे। तो सबसे पहले आप नोट्स बनाना शुरू करें। ये कुछ शुरुआत बेसिक आइडियाज दिए हैं मैंने कि इंग्लिश लैंग्वेज को यहां से सीखा जा सकता है, इस प्रकार से हम थोड़ा सा इजी वे में इंग्लिश को कैप्चर कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस को परिभाषित करते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल साथ में लिखते जाइए, राम प्लेज फुटबॉल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न हो गया, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। इसी को अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे तो ये लेंगे फुटबॉल राम प्लेज, ये वास्तविक रूप में कोई सेंटेंस नहीं है। तो दोस्तों हमने ये बेसिक समझा कि सेंटेंस क्या हुआ और सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया लिया। अभी हमने नोट्स बनाने शुरू किए हैं, यहां से आपने यहां से शुरू करना है। अगला जो चीज आएगी वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये टॉपिक हम अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर आपको कंप्लीट रूप से नोट्स बनवाए जाएंगे और उसके अलग अलग पैटर्न क्या होते हैं वो चीजें हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।